जी स्टूडेंट, क्या हाल? सब कैरियर से हैं? आज हमारी एक असाइनमेंट है जिसकी लास्ट डेट है अप्रैल 28, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने कार्डिनलिटी का फर्स्ट सेट ए और पावर सेंट फाइनल करना है, और सेकंड में ये हमारे पास प्रूव करना है ए और बी दो हमारे पास फजी सेट है जिसके हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो चलिए अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो स्टूडेंट, इसके सॉल्यूशन की तरफ जब हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा है पावर सेट। फाइंड द पावर सेट एंड कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट ए। इस सेट की हमने कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है और पावर सेट भी फाइंड करनी है। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। कार्डिनैलिटी जब हमने चेक करनी है तो कार्डिनैलिटी का फार्मूला हमारे पास पावर सेट का फार्मूला होता है जो कि हमने लेक्चर में पढ़ा था। 2^(a) इज इक्वल टू 2^(r) कार्डिनैलिटी ऑफ ए। इस चीज़ को हम कहते हैं, जब सेट की डिफाइन की थी पावर सेट की, ये चीज़ है हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट ए। इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट ए। अच्छा, ये जो चीज़ है जो कि हमने मैट्रिक 9th 10th और FSC में स्टडी की है या फिर कैलकुलस में स्टडी की है, उसमें हमने इसको लिखा था एन, 2^(n), यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि हमारे इस सेट के एलिमेंट्स हैं उसके कितने हैं। एलिमेंट्स कितने? 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट। कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4। एक पार्ट तो हमारा सोल्व हो गया। दूसरा है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ए हमारे पास क्या है? पावर सेट को हमने पी ए लिखते हैं। पावर सेट में हमने इनको रैंडमली लिखना है, एक दूसरे के साथ कंबिनेशन करके या अलग अलग करके, और कोई सेट रिपीट ना होता हो तो मैक्सिमम कितने सेट लिखे जा सकें, ये कार्डिनैलिटी से हमने फाइंड आउट करना है। 2^(r) सेट कितने हैं? 4। 2^(4) दिस इंप्लाइज दैट दिस अ सेट हैज 16 एलिमेंट्स, 16 कम्बिनेशंस। जबकि हमने कम्बिनेशन लिखा तो पावर सेट 1 2 3 4, फिर 1 के साथ 1 2 1 3 1 4, फिर 2 के साथ 2 3 2 4 एंड 3 4, फिर 3 सेट वाला 1 2 3 3 1 4 2 3 4 1 2 4। इसके बाद हमारे पास सेट ए कंप्लीट बच जाता है 4 एलिमेंट वाला, जिसको हमने ए एज इट इज लिख दिया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है इसका, कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट। इस पावर सेट की कार्डिनैलिटी हमने फाइंड करनी है। इसके कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 16। इसके 16 एलिमेंट हैं, इसलिए हमने इसके क्या है कार्डिनैलिटी ऐसे हमने शो करना है मॉडुलस में। कार्डिनैलिटी पावर सेट, पावर सेट इज इक्वल टू 16। इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? 16। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है, लेट एक्स हमारे पास एक सेट है, बी अ यूनिवर्स ऑफ डिस्कोयर सेट, यानी कि हमारे पास एक सेट है ये वाला एक्स जिसको हमने होल सेट कहना है, ये सेट है। इसके अंदर हमारे ए और बी, बी अ फजी सेट ऑन एक्स। इस सेट के अंदर ये पड़ा है हमारा ए, ये पड़ा है बी, ये फजी सेट हैं। अब हमने करना क्या है? प्रूव करना है ए, इसको हमने कहना है यूनियन, UNION यूनियन, और इसको इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, और इसका दूसरा नेम क्या है? मिनिमम ऑपरेटर, और इसका दूसरा नेम फजी सेट में जब हम स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं मैक्सिमम ऑपरेटर। तो अब हमने करना क्या है? यूनियन लेना है। अब हम यूनियन कैसे लेंगे? यूनियन ऑफ फजी सेट, इसको हमने पहले हम इस अंदर वाले को कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ए यूनियन बी। ऊपर टिल्डा का मीनिंग होता है ये फजी सेट, ए टिल्डा बी इज इक्वल टू मैक्सिमम काई वैल्यू ऑफ अ ए, काई वैल्यू ऑफ अ बी हमने लिखनी है। इनमें से लिखनी किसकी? मैक्सिमम काई वैल्यू लिखनी है। अच्छा जी, मैक्सिमम काई वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी की, इनमें से काई वैल्यू ये वाली है, इस वैल्यू को हम काई वैल्यू कहते हैं, और ये वाली जो काई वैल्यू या फिर करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन, और ये वाली जो वैल्यू हमारी ये है ऑब्जेक्टिव वैल्यू, ये ऑब्जेक्टिव और ये काई वैल्यू।
तो अब हमने क्या लिखना है, ये फार्मूला इसका ऐसे होता है, अगर हमने लेना है यूनियन, यूनियन में मैक्सिमम काई वैल्यू ऑफ ए काई वैल्यू बी, वन लिखा ऑब्जेक्टिव वैल्यू, वन इसका भी सेम है, वन वाली हमने पोर्शन ले लिया एज इट इज़ वन लिखा, फिर ये काई फंक्शन में देखना है इनमें से मैक्सिमम वैल्यू इसकी जीरो बड़ा है या 0.7, 0.7 बड़ा है तो हमने 0.7 लिख दिया। फिर अब हम चलते हैं टू पर, टू पर देखते हैं वैल्यू किसकी बड़ी है, ए की बड़ी है या फिर बी की बड़ी है, ए की बड़ी है तो हमने ए वाली लिख दी। सेम एज इट इज़ फोर पर 0.4 बड़ा है और फाइव पर 0.5 बड़ा है और एट पर जीरो अकेला वन है, वन बड़ा है 0.2 से, ये होल नंबर है वन, तो इसको हमने एज लिख दिया। ये था हमारा ए यूनियन बी यानी कि मैक्सिमम ऑपरेटर ऑफ अ फजी सेट। इसके बाद हमने लेना है कम्प्लीमेंट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमने कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट का फार्मूला है वन माइनस ए यूनियन बी फजी सेट। वन माइनस का इसका मीनिंग क्या है, हमने काई वैल्यू ये वाली जो वैल्यू है इसमें से वन माइनस करना है। जब हमने इसमें से वन माइनस किया, वन माइनस 0.7 ये वाला यूनियन आ गया तो हमारे पास रिजल्ट ये वाला बन गया। फिर इधर वन है, वन माइनस जीरो, इधर 0.4 माइनस वन, 0.5 माइनस वन, वन माइनस वन। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने ये वाला 1, 2, 4, 6, 8 के साथ जो हमारे पास काई वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो ये वैल्यू वैल्यू बन गई। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप नेम दे दे क्वेश्चन नंबर वन। अब हमने प्रूव करना है ये वाली लेफ्ट हैंड साइड फजी सेट में राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो चले अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने कम्प्लीमेंट ए का फाइंड आउट करना है, फिर कम्प्लीमेंट बी का। कम्प्लीमेंट ए का फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, ए के वन ये वाली जो करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन है, काई फंक्शन है सेकंड वाला, इसमें से वन से माइनस कर देना है, जैसा कि फार्मूला में भी लिखा गया है। कम्प्लीमेंट ऑफ ए वन माइनस ए फजी सेट, फजी सेट में हमने इधर किया है, इधर हमारे था जीरो, वन माइनस जीरो किया हमने, इधर टू के साथ हमारी ए ओरिजिनल वैल्यू थी वन माइनस वन, फिर इधर वन माइनस 0.3, वन माइनस 0.5, वन माइनस 0.2, तो ये रिजल्ट आ गया। सेम एज इट इज़ वी की हमने वन माइनस 0.7 की, वन माइनस 0.5 की, वन माइनस 0.4 की, वन माइनस 0.1 की और वन माइनस वन किया, तो हमारे पास ये वाले रिजल्ट आ गए। जब हमारे पास ये वाले रिजल्ट आ गए, अब हमने क्या करना है, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये राइट हैंड साइड। तो अब हमने लिया है इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का फार्मूला है फजी सेट में इन दोनों का मिनिमम वैल्यू लेनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ ए, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ बी, 1, 2, 4, 6, 8 ये पता हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमने इन दोनों में से देखना है मिनिमम कौन सी वैल्यू है, इनमें से जो जो मिनिमम वैल्यू है वो हमने इधर से पिक करनी है और नीचे डिलीवर कर देनी है। अब आपने देखना है ये इक्वेशन नंबर 2 और 1 इक्वल है, ये 1 और 2 यह सेम है, तो हमने कहना है हेंस प्रूव्ड, ये तो हमारे पास एक प्रूव हो चुका है। सेम एज इट इज़ आपने मैट टाइप में टाइप करके एमएस वर्ड में कॉपी कर देना है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड प्रूव पर। सेकंड प्रूव हमें ये दिया गया है, अगर हमारे पास ए बी दो फजी सेट हों तो ए यूनियन बी हम लें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये था इंटरसेक्शन, जो नीचे को होगा वो इंटरसेक्शन, ऊपर होगा यूनियन। इंटरसेक्शन अगर लें, इंटरसेक्शन का मतलब है मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू लेंगे। अब हमने इन दोनों से जो वैल्यू आई है मिनिमम वैल्यू इधर लिख देनी है, फिर वन माइनस कर देना है, वन माइनस यानी कि वन माइनस जो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया इसमें से करना जीरो, वन माइनस 0.5, वन माइनस 0.3, वन माइनस 0.1, वन माइनस 0.2, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया जिसको हमने कहा था इक्वेशन वन। अब हमने जाना है पहले इसको, जब हमने ओपन करके देखा, ब्रैकेट ओपन की, तो हमारे पास ये बना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। जब हमने ए का कम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, क्योंकि आपको कम्प्लीमेंट लेना अब आ गया है, रिवाइज करने का फ़ायदा नहीं है। बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ गया। अब हमने लेना है इनका यूनियन, यूनियन का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, ये वाली जो काई फंक्शन है, करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन है, इनकी हमने जब मैक्सिमम वैल्यू कैसे लेनी है, हमारे पास ये 1 है और ये 0.3 है, इनमें से ज़्यादा कौन सा है, 1 वाला, तो 1 वाला लिख, मतलब कि बड़ी रकम लिख देनी हमने, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 2, आया कि 1 और 2 इक्वल है। आपने कहना है हेंस प्रूव्ड जी ये दोनों इक्वल है। तो उम्मीद है तमाम स्टूडेंट को असाइनमेंट की
क्वेश्चन की समझ आई होगी लॉजिकली, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं अपना नंबर मेंशन कर रहा हूँ। जिस स्टूडेंट को चाहिए तो हमें मुझे व्हाट्सएप करके असाइनमेंट की फ़ाइल ले सकता है। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।